चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ओपन स्टेट वो होते हैं जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर हम पॉपुलर ओपन स्टेट के बारे में बात करेंगे जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, जिनको ज्यादातर स्टूडेंट लाइक करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ओपन स्टेट में एडमिशन लिया जाता है उनकी कट ऑफ फीस के ऊपर डिपेंड करती है। जिस स्टेट की फीस कम होती है उसमें ज्यादा कट ऑफ जाती है, और जिस स्टेट की फीस ज्यादा होती है उसमें कट ऑफ कम जाती है। तो यहां पर हम मोस्टली इन 5 स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, कर्नाटका के बारे में बात करेंगे, केरला के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और यूपी के बारे में बात करेंगे। क्या इनकी फीस है, कितनी सीट है और 22 में कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्नाटका स्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कर्नाटका स्टेट में जो टोटल सीट है ओपन की वो 701 सीट्स हैं, यानी इन 701 सीट्स में ये सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं और इन पर अदर स्टेट कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं सभी 701 सीट्स पर। अब जो इनकी एनुअल फीस थी 21 की, वो जो ट्यूशन फीस थी 9,93,906 थी। ये 20 की भी फीस यही थी, 21 में इंक्रीज नहीं हुई थी। ये ट्यूशन फीस है, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंस है, हॉस्टल का हो गया, मेस का हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, तो ये टोटल मिला के 150 के नियर बाई बैठ जाता है, यानी कि 1,50,000 के नियर बाई बैठ जाता है। तो हम अगर टोटल 21 की फीस देखें तो ये 11.5 से 12 लाख रुपए के बीच में थी, यानी कि किसी कॉलेज में 11.5 थी, किसी में 12 तक थी। ये डिपेंड कर रही थी हॉस्टल और मेस के एक्सपेंस पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 21 में जो ये फीस थी वो 11.5 से 12 लाख रुपए थी। अब जो 22 की फीस है उसके बारे में प्राइवेट कॉलेजेस की डिमांड है कि ये 35% तक ये फीस हाइक की जाए, 35% तक ये जो फीस है वो हाइक की जाए। ऐसे कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन यहां जो गवर्नमेंट है वो फीस तय करती है। तो जहां तक आइडिया है 22 का, जिस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा है, यहां पर अभी 10 से 15% के बीच में ये फीस इंक्रीज हो सकती है। जब ये 10 से 15 के बीच में फीस इंक्रीज हो सकती है तो कहने का मतलब ये है कि 1 लाख से लेकर के ये 1.5 लाख तक फीस इंक्रीज हो सकती है। इतनी फीस ये 22 में इंक्रीज हो सकती है। तो जब ये इतनी फीस इंक्रीज होगी तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि ये फीस आपकी बैठ जाएगी 13 से 14 लाख के बीच में ये फीस बैठ जाएगी, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि कर्नाटका के मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ये सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और वहां के जो रूल्स हैं वो सख्त हैं। तो यहाँ अगर इस फीस पर भी एडमिशन लिया जाता है तो स्टूडेंट को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अगर इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट तो इसमें इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात करें हम कि इसकी 22 की क्या कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कट ऑफ डिपेंड करती है फीस पर, सारी की सारी जो कट ऑफ है वो फीस पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ की फीस 13 से 14 लाख के बीच में रहती है, यहाँ की फीस कर्नाटका की 13 से 14 लाख के बीच में रहती है, तो यहाँ की कट ऑफ जा सकती है, फर्स्ट राउंड की हम मान सकते हैं कि यहाँ की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 560 के नियर बाई जा सकती है, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कर्नाटका की खास बात यह है कि इसमें कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं होती है, किसी भी राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती है। सेकेंड राउंड की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ 530 या 540 के नियर बाई जा सकती है। अगर हम मोपअप की बात करें तो फीस अगर इतनी ही रहती है तो ये 510 के नियर बाई जा सकती है। अगर इसमें थोड़ी सी फीस बढ़ती है, ये 15 तक होती है, तो ये 500 या फिर इससे डाउन भी जा सकती है कर्नाटका की कट ऑफ। तो ये सारा का सारा फीस पर डिपेंड करेगा। हम अभी यहां पर एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, जब तक फीस
नहीं आ जाती जब तक फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर नहीं हो जाता। अगर फीस कम रहेगी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और अगर फीस ज्यादा रहेगी तो कट ऑफ कम रहेगी। यह है कर्नाटका की। अब बात करते हैं आगे हम केरला स्टेट की। तो केरला स्टेट में जो टोटल सीटें हैं वो 333 सीट्स हैं केरला स्टेट के लिए। आप सबको पता है केरला स्टेट के फॉर्म पहले ही फिल करे जा चुके हैं, अभी कोई इसमें फॉर्म ओपन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो जिन कैंडिडेट्स ने केरला में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो वो यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। जो इसकी एनुअल फीस थी 21 में, ये केरला स्टेट की सबसे कम फीस थी, और केरला स्टेट तकरीबन 5-7% के बीच में ही हर साल फीस इंक्रीज करता है। तो अलग अलग कॉलेज की 21 में भी अलग अलग फीस थी। एवरेज फीस लें तो 6,94,830 रुपीज थी ये फीस, और इसमें 2 लाख रुपए के नियर बाई अदर एक्सपेंस आ जाता है, जैसे हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, अदर चार्जेस। तो ये टोटल मिला के 9 लाख रुपए फीस बैठ जाती है, जो सबसे कम फीस थी 21 में। और हम यही आशा कर रहे हैं कि इसकी 22 में भी सबसे कम फीस रहेगी इस स्टेट की। अगर ये 5% या फिर 10% फीस भी इंक्रीज करता है तो ये 10 लाख के अंडर ही फीस रहने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा माना जा रहा है, और ये 22 के लिए सबसे कम फीस का स्टेट रहेगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ का मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ इस स्टेट की कट ऑफ काफी ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है। बहुत ज्यादा इसलिए जाने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि इस स्टेट की फीस कम रहेगी। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की अगर हम यहां बात करते हैं तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। ये 580 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है फर्स्ट राउंड की। 580 मार्क्स तक जा सकती है फर्स्ट राउंड की। सेकंड राउंड की कट ऑफ 560 मार्क्स तक जा सकती है इस स्टेट की कट ऑफ, अगर फीस 5% से 10% इंक्रीज हुई तो। मोपअप राउंड की कट ऑफ देख लेते हैं क्या जा सकती है। तो मोपअप राउंड की भी इस स्टेट की कट ऑफ 530 से लेके 540 के बीच में जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर फीस इतनी ही हुई तो। अगर फीस ये 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तब ये कट ऑफ डाउन आ सकती है, 520 तक भी आ सकती है। तो ये तब इस कंडीशन में ये कम आ सकती है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ काफी ज्यादा रहेगी इसमें। इस स्टेट में फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ काफी ज्यादा रहेगी। इन दोनों राउंड के बीच में इतने मार्क्स का डिफरेंस आएगा, क्योंकि इतने मार्क्स का डिफरेंस इसलिए आएगा कि इसमें अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट आपको अलॉट हो जाती है नहीं लेते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, ये रूल है इस स्टेट का। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल हैं। ये रूल्स हमने अपने ओपन कोटा यानी स्टेट की बुक में ये सब कुछ दिखा रखा है, तो ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। केरला के कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई थी, कर्नाटका के कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई थी, ये हमने ओपन कोटा के अंदर सब कुछ दे रखा है हर एक स्टेट में। इसके अलावा जो बाकी ओपन स्टेट्स हैं उनके बारे में भी सब कुछ हमारी बुक में बता रखा है, तो वो बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी केरला स्टेट की बातें। अब हम आगे चलते हैं केरला स्टेट के बाद में बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट की। जो छत्तीसगढ़ स्टेट काफी दिनों से इसकी काफी डिमांड रही है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में इसकी काफी हाई कट ऑफ जाती है क्योंकि इसकी फीस सबसे कम थी। टोटल सीट इसमें 3 कॉलेजेस में 192 सीट्स हैं। अभी 3 कॉलेजेस में 192 सीट्स हैं, और इसकी जो 21 की एनुअल फीस थी 6,45,156 ट्यूशन फीस थी इसकी, लेकिन इसमें अदर चार्जेस काफी थे, यानी कि 4.5 लाख इसमें अदर चार्जेस थे जिसमें हॉस्टल वगैरह इंक्लूड थे। तो ये सारा सब कुछ मिला के 11 लाख के नियर बाई ये फीस बैठ रही थी छत्तीसगढ़ स्टेट की। लेकिन ये जो ट्यूशन फीस है ये 3 इयर्स के लिए निर्धारित की गई थी। अभी 3 इयर्स इसके पिछले साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी ये 19, 20 और 21 के लिए फिक्स की गई थी। 22 में इस फीस को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। तो इसकी अगर फीस ज्यादा हो जाती है, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि कट ऑफ डिपेंड करेगी फीस पर, अगर इसकी फीस ज्यादा हो जाती है तो इस स्टेट की डिमांड कम हो जाएगी।
तो फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर इनकी फीस इसके नियर बाई रही, अगर मान लेते हैं हम 12 या 13 लाख रुपए के नियर बाई फीस रही इसकी, तो इसकी जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है वो 560 जा सकती है इसमें, और सेकंड राउंड की 540 जा सकती है, और मोपअप राउंड की 500 कट ऑफ जा सकती है। यानी ये कर्नाटका के लेवल की कट ऑफ रह सकती है अगर इसकी फीस 12 से 13 या फिर 14 लाख तक होती है तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं तो आता है त्रिपुरा। इसमें ये भी एक ओपन स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसमें कैटेगरी वाइज अदर स्टेट को सीट दी जाती है, बाकी किसी भी स्टेट के ओपन कोटा में कैटेगरी वाइज नहीं दी जाती, बाकी सारे स्टेट्स को जनरल में काउंट किया जाता है। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसमें 20 सीट्स ओपन की है, जिसमें यूआर 11 सीट्स है, ओबीसी की 5 सीट्स है, एससी की 3 सीट है, एसटी की 1 सीट है, ऐसा एक सिर्फ त्रिपुरा स्टेट में ही है। इसकी जो एनुअल फीस है वो 12,35,030 रुपीज है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये आप त्रिपुरा स्टेट में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कट ऑफ की बात करें तो फिर ये फीस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ, तो फर्स्ट राउंड की इसकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है 540 के नियर बाई, 540 से 545 के नियर बाई जा सकती है, सेकेंड राउंड की 530 से 525 जा सकती है, और जो मोपअप राउंड की कट ऑफ है इसकी 510 से 520 जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा पूरी इसकी फीस के ऊपर, इसका इस साल इसकी भी फीस इंक्रीज होनी है, तो अगर ज्यादा फीस इंक्रीज होगी तो ये 500 से नीचे आ जाएगी कट ऑफ। मैं ये कट ऑफ आपको यूआर कैटेगरी की बता रहा हूं, ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ और भी डाउन जाती है इसमें। तो ये हो गई त्रिपुरा स्टेट की बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इस स्टेट्स के बारे में हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, इसमें काफी सारी सीट्स हैं, 4,500 सीट्स हैं इसमें, और इसमें ओपन टू ऑल है, यानी कि इसमें सारे कैंडिडेट्स जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनको भी यही सीट मिलेगी, और अदर स्टेट के लिए भी यही सीट रूल है इसमें, तो ये सभी ओपन टू ऑल है। और जो 21 की हमने फीस देखी थी वो 10,77,229 से लेकर के 13,73,760 तक थी फीस, अगर इसमें जो चार्जेस थे 2,35,600 थे। इसमें कुछ से कॉलेजेस में हिडन फीस भी है नाम मात्र की, तो वो अलग है इसमें, वो एग्जामिनेशन फीस वगैरह के नाम से वो हिडन फीस भी है इसमें कुछ। तो ये 21 में थी। हमने ये देखा है कि जो यूपी स्टेट में जो फीस का इंक्रीमेंट होता है 5 से 7% के बीच में होता है, तो इस बार भी अगर 5 से 7% के बीच में होता है तो ये सबसे कम फीस वाला स्टेट हो जाएगा, यानी कि केरला के बाद ये कम फीस वाला स्टेट होगा यूपी स्टेट। और आप सब जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे ओपन में एडमिशन लेने वाले नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, और वो फिर कम फीस के स्टेट को इसी को लाइक करते हैं। कट ऑफ की बात करें तो कम फीस होने के कारण इस स्टेट की कट ऑफ काफी कम जाती है, 2022 में ये 300 के नियर बाई कट ऑफ जा सकती है। माइनॉरिटी कैटेगरी की कट ऑफ और भी डाउन जाती है, हम ये मान के चल रहे हैं कि माइनॉरिटी की कट ऑफ तो 200 के नियर बाई ही जा सकती है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की जो फीस है वो फीस ज्यादा रहती है। तो ये थे कुछ पॉपुलर स्टेट जो मैंने आपको बताए हैं, क्या इनकी कट ऑफ रह सकती है, क्या सीट्स हैं इसमें। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो मैंने ये कट ऑफ बताई है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और फीस डिसाइड होने के बाद ही कट ऑफ हम आइडिया लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है, अगर फीस ज्यादा होगी कट ऑफ कम जाएगी, और फीस कम होगी तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बाकी अदर स्टेट्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल में ले सकते हैं ओपन के लिए, तेलंगाना ले सकते हैं, आंध्रा ले सकते हैं, तमिलनाडु ले सकते हैं, उत्तराखंड ले सकते हैं, हिमाचल ले सकते हैं, बिहार हरियाणा राजस्थान सेकेंड राउंड से ले सकते हैं, और पौडुचेरी। तो इन अदर स्टेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा भी अदर स्टेट्स हैं, लेकिन मैंने ये पॉपुलर अदर स्टेट्स ही बताए हैं यहाँ पर। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और एडमिशन लेते समय। तो आप जब एडमिशन लेंगे तो खास करके आपने फीस का ख्याल रखना है, वो तो हर कोई रखता ही है, और फीस ही डिपेंड करेगी कट ऑफ।
यानी कि फीस डिसाइड करेगी कट ऑफ की किस स्टेट की कितनी फीस है, तो उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। अब आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखना है कौन से स्टेट में, जैसे कि कर्नाटका स्टेट है, कर्नाटका का हम किसी से बगैर पूछे ही इस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, केरला स्टेट है, केरला में एडमिशन ले सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ भी यहाँ ले सकते हैं, तो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एजुकेशन की क्वालिटी को देख करके अगर उस स्टेट की आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज का एनवायरमेंट का क्या मतलब है, तो जिस मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के हैं तो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा बच्चे होंगे, ऐसे आपने मेडिकल कॉलेज या फिर स्टेट से प्रिफेयर करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे कर्नाटका का देखते हैं तो कर्नाटका के हर कॉलेज में आपको नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे, यहाँ का ही माहौल मिलेगा। जब इस तरफ के बच्चे होते हैं तो वहां फूड वगैरह की फैसिलिटी में वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्टूडेंट अगर बाहर भी रहते हैं, हॉस्टल वगैरह से बाहर रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस प्रकार का भी एक पॉइंट कंसिडर करें ओपन स्टेट में एडमिशन लेते समय, ऐसे स्टेट को कंसीडर करें। इसके बाद में हॉस्पिटल, उस स्टेट का, उस मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल कितना अच्छा है और नियर बाय सिटी में है या सिटी से कितना आउट है, उसमें पेशेंट फ्लो कितना है, तो इन सब बातों को आप कंसीडर करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने मोस्टली स्टेट के बारे में जानकारी दे दी है, बाकी जैसे ही इनका फीस स्ट्रक्चर रिलीज हो जाएगा तब हम आपको और इसकी कट ऑफ के बारे में जानकारी दे देंगे, फीस स्ट्रक्चर भी साथ साथ बता देंगे कि कौन सी स्टेट का कितना फीस हुआ है, ये साथ साथ बताते रहेंगे आपको, और कट ऑफ भी आपको बताएंगे। ये मैंने जो बताया आपको एक रफली आइडिया है, बाकी आप हमारी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं, और हमने इनके बारे में बुक लिखी है, स्टेट की बुक में सभी ओपन के बारे में बातचीत की हुई है, इसमें बताया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए आप ऑल इंडिया कोटा की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेटनरी आयुष की बुक भी अवेलेबल है, सब कुछ इस बुक में मैंने समझाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।